हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे टनल पाली हाउस, नर्सरी के लिए जो कि होता है। और ये क्या करता है, जो हमारी मॉइस्चर है और ये सनलाइट है उससे प्रोटेक्ट करता है। अगर हम नर्सरी किसी भी पौधे की लगा रहे हैं, जैसे कि इसमें जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि हमारे कुकुरबिट्स हुए या फिर और भी छोटे क्रॉप्स होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर लगाते हैं नर्सरी में और ये उसके ऊपर से कवर कर देते हैं पॉलीथीन से। ये देखिए पॉलीथीन लगी हुई है और ये नीचे स्ट्रक्चर है लोहे की राडों का, और इसको ज़मीन में लगाया गया और इसके ऊपर कवर कर दिया गया है। तो ये क्या है, जो नीचे मॉइस्चर है वो हमारा इवेपोरेट नहीं होगा और इसी में रह जाता है। आप देखिए इसमें, ये देखिए ड्रॉपलेट्स वगैरह है ना, ये उसी मॉइस्चर की हैं और ये बाद में नीचे झड़ जाएंगी और ये हमारा सॉइल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हमारे जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा हमेशा, तो इसको हम कवर करके रखते हैं। और बाकी भी और सारे प्रोटेक्टेड होते हैं, जैसे कि इसमें हमारी डिजीज है, इंसेक्ट पेस्ट दुनियादारी, उससे भी इससे बचाव हो जाता है हमारा, क्योंकि बहुत ही प्रोटेक्टेड है नर्सरी के लिए। मैं पूछना चाहूंगा, जो ये इसका स्ट्रक्चर बना है, ये बेसिकली ये टनल फॉर्म में बना है, ठीक? ये टनल फॉर्म में है, ये मतलब इसमें हम किस टाइप के पौधे ग्रो करा सकते हैं और नर्सरी का क्या सिस्टम होता है, मतलब कौन सी नर्सरी मींस बोल सकते हैं, ट्रे वाली नर्सरी लगाएंगे कि डायरेक्ट सॉइल में लगा सकते हैं, पॉलीथीन बैग वाला नर्सरी कौन सा? अगर डायरेक्ट सॉइल में लगाएंगे तो हमें मतलब ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इसे हमें निकालना भी पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, ज्यादा इसमें ट्रे वाला और पैकेट पॉलीथीन वाला वो लगाते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह की नर्सरी हम इसमें ग्रो करते हैं या लगाते हैं। ये देखिए हमारी ये टाइप है, ट्रे टाइप का नर्सरी है, पॉलीथीन बैग वाला है। तो इसमें हम ये देखिए छोटे छोटे, इसमें सामान्यतः जो छोटे पौधे होते हैं हमारे कुकुरबिट्स वगैरह, वो भी मतलब छोटे पौधे होते हैं, उसी को हम इसमें ज़्यादातर लगाते हैं। और इसमें भी हम थोड़े बड़े पौधे लगाते हैं या फिर ट्रीज के भी इसमें नर्सरी तैयार कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये कहीं से भी आराम से ले जाया या मतलब कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आराम से। और इसमें हम कुकुरबिट्स वगैरह लगाते हैं। ये हमारा टाइप हो गया नर्सरी वाला। और इसमें जो हमारा ये इसकी कॉस्ट क्या आ सकती है, आप बता सकते हैं? देखिए ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इसका एनुअल कॉस्ट बहुत ही कम है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में पॉलीथीन का प्राइस कितना है, बहुत ही कम रहता है। मैक्सिमम में ये पूरा जो होगा 50 रुपीज़ का होगा, बहुत ही अगर हम मतलब महंगी पॉलीथीन लगे जब। और ये जो नीचे स्ट्रक्चर बना है लोहे का, ये भी हमारा सस्ता ही आता है, क्योंकि उसको एक बार बनवाना है और एक बार जो भी कंस्ट्रक्शन, मतलब ओवरऑल ये एक जो सस्ता है किसानों के लिए अच्छा है, और हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो इसे इस तरीके से नर्सरी को ग्रो कर सकते हैं और आसानी से जो लताएं वाली फसल होती हैं और अच्छे से इसको। आपने सुना होगा नर्सरी में बहुत सारे रोग लगते हैं, जैसे कि डैम्पिंग ऑफ होता है, सबसे ज्यादा रोग लगता है आर्द्र गलन जो नर्सरी में लगता है, उससे हम आसानी से बच जाएंगे, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि वो बैक्टीरिया वगैरह फंगस से लगता है दुनियादारी, तो उससे हम इसे आराम से बचा सकते हैं, और भी कीट इंसेक्ट पेस्ट दुनियादारी उससे भी बच जाता है आराम से। तो दोस्तों अब हम कुटवा में हैं, कुटवा ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुटवा आजमगढ़, जो केवीके कृषि कृषि जो केवीके है कृषि विज्ञान केंद्र, ये आचार्य नरेंद्र एग्रीकल्चर जो है यूनिवर्सिटी मेन कैंपस इसका वहाँ पे अयोध्या में है, उसके अंतर्गत ये केवीके है, उसी में ये ट्रायल लग रहा है। ये अभी बताया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर ये बनाया गया है, ये बेसिकली नर्सरी ग्रो कराने के लिए बना है। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा अभी नर्सरी, कौन कौन से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। हमारे ये लोड टनल पॉली हाउस नर्सरी है, इसमें नर्सरी में लौकी, करेला, तुरई है जो हमारे कॉलेज की वैरायटी है, एक नरेंद्र रश्मी जौनपुरिया है और पूसा चिकनी। इसमें जो लौकी की 1000 जो पौधे तैयार किए जा रहे हैं और करेला और तुरई की 500-500 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ये हमारा पूरा सिस्टम होता है इधर इससे नर्सरी तैयार करने का, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि हम जो आगे आने वाला जो हमारा जायद का सीजन आ रहा है, ये इसमें हम लोग जो सब्जियां उगाते हैं, जैसे कुकुरबिट्स, लौकी, कद्दू, ये सब जो ये वाली सब्जियां उगाते हैं पूरी, ये इसमें उसका पौध मतलब नर्सरी अभी तैयार कर लेंगे तो उस सीजन में इसको लगा देंगे, जिससे अच्छा ग्रोथ होगा। जब हमारी नर्सरी अच्छी रहेगी तो हमारा प्लांट भी अच्छा ग्रो करता है। अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे, ये पॉली बैग है और एक प्रो ट्रे नर्सरी है। जो ये प्रो ट्रे नर्सरी होता है, इसमें आप देख सकते हैं एक साथ ये आकार में बड़े और मतलब दो टाइप से बनते हैं। अगर आप थोड़ा और अच्छे कंडीशन में ग्रो कराते हैं तो इसमें कोकोपीट लगाते हैं, नहीं इसमें कंपोस्ट वाला सॉयल को यूज करते हैं। तो ये जो है एक प्रो ट्रे में गिन सकते हैं आप 2-4-5, 1-2-3-4-5-6-7-8, एक प्रो ट्रे से 40 प्लांट तैयार होते हैं। और ये पॉली बैग हमारा होता है, इसमें हम लोग पूरा कंपोस्ट वाला सॉयल
इसमें यूज करते हैं और इसमें अच्छे से अभी ये बनाया गया है। इसमें फिर हम लोग सीड लगाएंगे, सीड लगाने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर रख देंगे। आप अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए इसके अंदर रखा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा है। और ये देखिए अच्छे से ये इसके अंदर पूरा रख देते हैं और हमारा जो इसमें मॉइस्चर ह्यूमिडिटी जितनी टेम्परेचर है एकदम सुटेबल होता है और हमारा जो प्लांट होता है नर्सरी अच्छे से ग्रो करता है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।